और हम इसको रिकवर करेंगे डैड को, कोशिश करेंगे कि इसको कैसे रिकवर किया जा सके। ठीक है, सबसे पहले आइए इसको ये देखिए, ये हटाया तो ये आईसी स्विच कर रही है, तो इसका मतलब दिस आईसी इज वर्किंग। फिलहाल देखो ये लोअर एलडीओ का है, बाकी ये तीन कॉइल, आइए थोड़ा समझ लेते हैं तीन कॉइल का क्या सीन है। 3 वोल्टेज बनना चाहिए राइट, तो मेरे को एल ओके है तो मेरे को पता चल जाएगा। चलो ओके है, तो दोस्तों इसमें फॉल्ट हमारा पावर से नहीं है, ये हमारा देखिए सीपीयू एमएमसी निकला हुआ है, ये देखिए ये आपकी डीसी, ये आपके बोर्ड का रीडिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा जो बोर्ड है वो बिल्कुल ओके है। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। हेलो 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 हेलो, सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग। आज मेरे पास एक सेट है पोको का और आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये डैड है और हम इसको रिकवर करेंगे डैड को, कोशिश करेंगे कि इसको कैसे रिकवर किया जा सके। ठीक है, सबसे पहले आइए इसको मैं डीसी मशीन रीडिंग बता देता हूँ, और ये फोन में शॉर्टिंग नहीं है तो फिलहाल मैं आपको डीसी मशीन की रीडिंग दिखाना चाहता हूँ। नोटिस करो आप, देखिए आपको यहाँ पर डीसी मशीन दिखाई दे रही होगी और इसको कैसे रिकवर करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक एग्जांपल सेट करेगा और आपको बहुत हेल्प करेगा और आप बहुत इजीली अपने सेट को रिकवर कर सकेंगे, इस बात की गारंटी दूंगा मैं। देखिए तो देखिए मैंने डीसी केबल लगा दी है और अभी भी 0-0 है, इसका मतलब है कि शॉर्टिंग तो नहीं है। अब मैं पावर की दबाऊंगा, तो देखिए मैं पावर की दबा रहा हूं, ये देखिए 151 पे स्टक है और कोई डिस्प्ले नहीं है, और ये 151 पे स्टक है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, देखिए 151 पे स्टक हो गया, आप नोटिस कीजिए। तो इसकी चार्जिंग का जो एम्पियर है वो दिखा देते हैं आपको, तो ये भी दिखा देते हैं। तो चार्जिंग का एम्पियर भी देख लीजिए आप, यहां पर टाइप सी लगेगा, ये देखिए ये इसमें लगा दिया, और इसको दिखाना चाहूंगा, नोटिस करो, तो चार्जिंग का एम्पियर देखिए 0.10, नोटिस करो, तो ये 0.10 ले रहा है, तो 0.10 का मतलब है, अब क्या मतलब है आइए निकालते हैं, इसका मतलब भी हमें निकालना है और ये देखना है कि बेसिकली ये हमारा क्यों और कैसे डेड है और क्या रीजन है और इसको हम रिकवर कैसे करेंगे। क्योंकि अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं और इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं और बहुत सारे कंटेंट चाहते हैं, थ्योरी सीखना चाहते हैं, तो मैंने बहुत कुछ इस चैनल पे अपलोड किया है, आप इसको देख सकते हैं। साथ ही अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग सीखना चाहते हैं कैसे इंस्टीट्यूट से जिसका इंडिया में काफ़ी अच्छा नाम है और बहुत सारे बच्चों को हमने ट्रेनिंग इस तरह से दी है कि वो अपने अच्छी दुकानें चला रहे हैं, प्लस अपना इंस्टीट्यूट भी खोल कर बैठे हुए हैं बहुत बड़े बड़े नाम से,
प्लस आप हमारे पास आ सकते हैं और लाइफ टाइम सपोर्ट के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम देते हैं 14 से 15 घंटे की क्लासेस। और कहने की बात नहीं है, ये रियलिटी में देते हैं। हमारी क्लासेस 5-6 बजे ख़त्म नहीं होती है, रात के 11-12 बजे तक चलती है। अगर आपको देखना है तो लाइव फेसबुक में जाके वॉच कीजिए। तो आइए चलो इसको रिकवर करते हैं, सैमसंग का पोको S2। ठीक है, सबसे पहले किसी भी सेट को रिकवर करने से पहले उसको आई डायग्नोस करो कि उसमें काम कितना हुआ है, क्योंकि अभी मार्केट में जितने भी सेट आ रहे हैं मोस्टली सब काम होकर आ रहे हैं। ठीक है, आप नोटिस करो। तो पहली चीज तो ये मैं बता देता हूँ कि इसका पावर का पतरा उतरा हुआ है, ठीक है, और ये डीसी मशीन से उतारा गया है, मतलब SMD से उतारा गया है, क्योंकि पतरा उखड़ा नहीं है, थोड़ा यहाँ पर उखड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतना चल सकता है। और पतरा उखड़ जाने की वजह से भी फ़ोन डेड हो जाते हैं, तो इस पर मैंने एक बहुत अच्छा एक वीडियो बनाऊंगा मैं। दूसरा, नेटवर्क सेक्शन में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है, तो पतरा लगा है। ठीक है, थोड़ा हल्का हल्का मुझे ये वाटर डैमेज लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें कचरा है ये वाटर डैमेज की वजह से ज़्यादातर आता है। कॉलकॉम का CPU लगा है SDM7150-11100AE इसका वर्जन है, और SK हाइनेस का इसमें UFS लगा हुआ है। सो SK हाइनेस का इसमें स्टोरेज लगा हुआ है, आप जैसे कि देख सकते हैं H9HQ। तो यहाँ पर ये इसकी एक चार्जिंग IC है SMB। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एक रिंगर IC लगी है SMB। यहाँ पर हम बात करेंगे ये इसका ऑडियो IC है, ये यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी एक IC लगी हुई है। तो ये भी IC हम चेक कर सकते हैं, ये IC ऑडियो है, क्योंकि TI एक ऑडियो के नाम से आती है। ये NFC IC होगी मे बी, उसको देखना पड़ेगा स्कीमेटिक में क्या है। बहुत इजीली IC आइडेंटिफाई हो जाती हैं, और यहाँ पर भी देखो कोई भी काम नहीं हुआ है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर पतरा भी देखिए किस तरीके से निकाला गया है, तो बिल्कुल हीट दे के निकाला है। मुझे लग रहा है कि हीट देने की वजह से ही यहाँ पर थोड़ा सा मैटर बिक रहा है। और चलिए सबसे पहले इसके बग वोल्टेज और इसके VPH लाइन, ये सारी लाइनें चेक करते हैं, देखते हैं कि CPU एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि कॉलकॉम का सेट है, हम यहाँ पे पावर को बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। तो देखिए, डिस्प्ले लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप B2B केबल का पत्ता लगा दीजिए। ठीक है, लग गया। और कॉलकॉम है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, MediaTek होता तो हम BAT ID और ये सारी लाइनें भी चेक कर लेते, पर क्योंकि कॉलकॉम है यहाँ पर हम डायरेक्ट BPH लाइन चेक करेंगे, और हम चेक करेंगे। तो आई होप कि आपको दिख रहा हो एक बार। अब नोटिस करो, मैंने DC में लगा लिया, आपको मल्टीमीटर भी दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास दो पावर IC लगी है, एक PM है और एक L है। तो पहले मैं PM को चेक कर लूँगा, L और PM। अच्छा, L तभी एक्टिव होगी जब PM एक्टिव होगी, अदरवाइज L को जो एक्टिव करेगी वो PM करेगी। तो यहाँ पर जो मैं इसकी कैपेसिटर्स है यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, 2.9 मतलब VPH आ रहा है, यहाँ पे भी चेक कर लूँगा, यहाँ पर देखूँगा। ठीक है, यहाँ पर भी 2.9 मतलब VPH हमारे यहाँ भी आ रहा है, तो VPH हमारे को यहाँ तक आ जाना चाहिए।
ठीक है। अब एक बार यहाँ पर सारे कॉयलों को एक बार चेक कर लेंगे। पहला जो कॉयल है आपका ये, तो दोस्तों ये मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था 6660 पर, और काफ़ी लोगों ने देखा, और वो वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने यूट्यूब पर भी वीडियो बनाए। तो वो 6 था, ये 7 सीरीज़ है और 7 और 6 से अपडेटेड है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर कॉयल लगी हैं, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 यहाँ लगे हैं। तो ये दो तो हटा दो, क्योंकि एक लाइट का है और एक ग्राफिक्स का है, बाकी सारे आपके कोई रैम का है, कोई कोर का है, कोई एपीसी, मतलब वही कोर होते हैं। तो बेसिकली इसमें हायर, आप ये देखो ये वाला जो कॉयल है ये हायर एलडीओ है, ये लोअर एलडीओ है, और ये हमारे एपीसी के कॉयल है। सबसे पहले ये जो कॉयल है ये हमारा वीपीएस स्विचिंग का कॉयल है। तो यहाँ पर हम नोटिस करेंगे, देखिए हमारी स्विचिंग हो रही है, और मैं आपको डीएसओ से इसकी स्विचिंग दिखाना चाहूँगा। नोटिस करो डीएसओ, देखिए मैंने डीएसओ को ऑन किया, ठीक है। अब आप डीएसओ में देखिएगा, तो जैसे ही मैं इसको यहाँ लगाऊंगा ये देखिए ये हटाया, तो ये आईसी स्विच कर रही है, तो इसका मतलब दिस आईसी इज वर्किंग। फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है। तो ऐसे ही हम बच्चों को सिखाते हैं दोस्तों, बहुत डीप लेवल पे, जिसमें है आईसी उतारने की जरूरत ना पड़े। नहीं तो लोगों को क्या है, आईसी उतारने और लगाने का ही है काम, सीखना है बस। सर्किट को बाद में फिर फील करते हैं कि भाई सर्किट समझ में नहीं आया। इस कॉइल का जो आउटपुट है ना वो यहाँ आएगा, देखो दो वोल्टेज बन रहे हैं, हाई एलडीओ, ठीक है। तो इस कॉइल का आउटपुट यहाँ आएगा, तो हाई एलडीओ तो बन रहा है, ये देखो ये लोअर एलडीओ का है। बाकी ये तीन कॉइल, आइए थोड़ा समझ लेते हैं तीन कॉइल का क्या सीन है। तो अगर आप दूसरे स्टेट कंट्री से हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमने आपके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला है। पहले तो हम नहीं पढ़ाते थे, पर अब हम पढ़ाएंगे। सो आप कांटेक्ट करें डायरेक्ट, जो भी है हम फ़ोन पे ही बताएंगे कि कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे। तो 7007 और 3192 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बांग्लादेश से हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कहीं से भी, क्योंकि हमें पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब इसका डायग्राम खोलूँगा मैं। तो ये एस पोको का X2 है, काफ़ी रनिंग मॉडल है ये भी, ये देखो अच्छा मॉडल है और सीखने लायक है। ये मॉडल पे बहुत सी चीज़ें सीखी जा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो पहले तो ये जैसे मैंने बताया था ये जो कॉइल है S4, ठीक है, ये S4 आपकी 1.1 की लाइन है, 1.1 ही आ रहा है देखा जाए तो, ठीक है। तो ये ऑलवेज जैसे बोला लोअर एलडीओ, और ये लाइन जो है ये 0.06 है। अब देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ठीक है, तो ये लाइन पे मिलना चाहिए, क्योंकि ये रैम की लाइन है, मतलब एक तरह से आपके स्टोरेज की लाइन ही है। EBI मतलब रैम होता है, एक्सटर्नल बस इंटरफेस, ये मिलना चाहिए। VDDQ हाँ रैम की लाइन है, ठीक है। तो ये मिलेगा, आओ चेक करते हैं। ये तो मिल रहा है,
अच्छा, इसका कंपोनेंट भी ढूंढ लेते हैं चेक करने के लिए। अच्छा, सीपीयू के पास, पावर के पास ढूंढते थोड़ा सा। ये तो सब सीपीयू के पास लगा हुआ है, ये मिल जाएगा आई थिंक। ये लोग मिल गए, तो इजीली मिल जाता है कंपोनेंट, कुछ भी नहीं है। मतलब आपको नॉलेज अगर बहुत अच्छी हो, और मैं आपको स्कीमेटिक का जो नॉलेज दूंगा वो आपके नेक्स्ट लेवल पे होगा। ये देखो 0.6। तो दोस्तों मैंने जहां तक कि इस आईसीयू को टेस्ट किया है, मुझे सारे कॉइल के जो मुझे वोल्टेज है वो मिल रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए किन किन को इन कॉलों का नॉलेज चाहिए, मैं इनके लिए वीडियो बना दूंगा एस्ट। क्योंकि यहाँ पर भी मैं सारे एक बार मैं BOB चेक करना चाहता हूँ, BOB वो भी इम्पोर्टेंट है। तो BOB क्या हमारे L में बनता है, और मेरे ख्याल से इसमें बनेगा, ये देखो है ना, वेरी गुड। और ये कैपेसिटर पे मेरा 3.3 वोल्टेज बनना चाहिए, राइट। तो मेरे को L ओके है तो मेरे को पता चल जाएगा। हाँ चलो ओके है। तो दोस्तों इसमें फॉल्ट हमारा पावर से नहीं है, ये हमारा फॉल्ट रैम से हो सकता है। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं या तो CPU की से रैम की सप्लाई मिस हो रही है, या रैम से CPU की सप्लाई मिस हो रही है। तो ये रीजन है, क्योंकि ये जो रीडिंग है आपको जो आ रही है वो CPU की रीडिंग है। और जो आपको जैसे मैंने बताया कि जो आपका USB पोर्ट का जो एम्पियर आपको बता रहा है वो भी CPU का है, 0.10, ठीक है, स्टेबल है। फ्लैक्चुएट करता तो बोलता है कि मैं इसमें किसी भी प्रकार का शॉर्टिंग होगा। तो यहाँ हमें CPU को पहले हम निकालेंगे और रिवॉल्व करके लगाएंगे, क्योंकि उसके बाद नहीं हुआ तो फिर हम रैम को निकाल के रिवॉल्व करके लगाएंगे। क्योंकि मुझे ज़्यादातर जो केस लग रहा है वो CPU में लग रहा है, मुझे लग रहा है कि CPU करने से हो जाना चाहिए, बाकी रैम भी निकालना पड़ सकता है। दोनों ही निकालेंगे तो भी बेटर है, बट आइए चलिए चालू करते निकालना। I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. तो हमने CPU और MM जो हमारा, तो हमने CPU और स्टोरेज को दोनों को क्यों निकाला, तो उसको रीजन है दोनों ब्लैक पेस्टेड है और हमें दोनों में ही सर्च किया, क्योंकि हम एक निकालते फिर लगाते फिर दूसरा निकालते लगाते तो टाइम वेस्ट होता है, इसलिए हमने दोनों को ही निकालना सही समझा। To Taiwan, I've been all around.
are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. तो चलिए दोस्तों, ये हमने सीपीयू और एमएमसी उतार लिया है, बट अभी बोर्ड चेक कर ले कि हमारा बोर्ड ओके है कि नहीं है, क्योंकि ये बहुत जरूरी एक भाग होता है हमारे मोबाइल रिपेयरिंग में। तो अब हम वापस वही सप्लाई चेक करेंगे जो हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। ठीक, ठीक है, तो हमारा बोर्ड बिल्कुल ओके है, हमारे बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। आइए मैं बोर्ड की डीसी मशीन की रीडिंग भी दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। नोटिस करो, जब आपका सीपीयू निकल जाए तो आपकी डीसी मशीन का रीडिंग कितना होना चाहिए। देखिए सीपीयू एमएमसी निकला हुआ है, ये देखिए, ये आपकी डीसी, ये आपके बोर्ड का रीडिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा जो बोर्ड है वो बिल्कुल ओके है। क्योंकि सीपीयू नहीं है इसलिए पीएस होल्ड नहीं बन रहा है, और पीएस होल्ड नहीं बन रहा है इसके लिए सारे वोल्टेज फ्लक्चुएट करने चाहिए। आपको जो भी वोल्टेज है वो सारे मिलने चाहिए पर फ्लक्चुएट करने चाहिए। काम करते समय बोर्ड में कचरा और पेस्ट बिल्कुल ना जाने दें। अब मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि जो प्रिंट निकले हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि प्रिंट निकल गए हैं, क्या हो गया है ये हो गए, तो आइए मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि VGA 254 में ये जो प्रिंट निकले होते हैं ये सब NC होते हैं, ये लूज प्रिंट होते हैं और ये निकलते ही हैं। बहुत चांस कम होते हैं इनके रुके रहने का, लूज प्रिंट है, प्रिंट होते हैं, निकल जाते हैं, ब्लैक पेस्टेड में ज़्यादातर जल्दी निकलते हैं। तो किसी भी इसका हम दिखा सकते हैं, तो ये प्रिंट आपको जो दिखाई दे रहा है ये सब NC है, ये देखिए
ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि प्रिंट निकल गए। ठीक है चलो, अब हम सबसे पहले सीपीयू लगाएंगे। ठीक है, I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. I've been all around the globe.
trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. बहुत सारे तरीके हैं सीपीयू लगने के बाद सिर्फ सीपीयू का बोर्ड टेस्ट करना। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये आपको जरूर बताऊंगा। और दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है, आप भी चाहते हो कि आप भी इस मैटिक लेवल पे सीख जाओ, सिखाने लगो, तो इस टेलीकॉम जरूर छोड़ना, क्योंकि अब तो हमने बैटरी थोड़ी सी चार्ज कर ली, इसकी बैटरी बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। अब हम हमारी पीसीबी जो हमने आईसी दोनों निकाल कर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, अभी हमने इसी दोनों आईसीयू को निकाल कर क्लीन किया था और वापस लगाया था।
तो देखिए फोन हमारा ऑन हो चुका है और जैसे कि मैंने बोला कि अगर हमें रीडिंग का सही नॉलेज दो, बैटरी बिल्कुल बहुत कम है, आप नोटिस कर सकते हो बैटरी, तो मैं और मैं ये भी बताना, बैटरी थोड़ा सा हल्का सा फूला हुआ है तो बैटरी को चार्ज करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये बैटरी थोड़ा 4.4 वोल्टेज का है। तो इसी सर्किट में मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए इसी सर्किट में ना मैंने पावर पे काम किया ना मैंने सेकेंड पावर पे काम किया, जबकि मैंने सेकेंड पावर का भी आउटपुट देख लिया था। मैंने केबल और केबल सीपीयू और एमएमसी पे काम किया और एक सही जजमेंट के साथ काम किया और यही सही जजमेंट के साथ मैंने अपने काम को सक्सेस किया और वन टाइम में मैंने काम को पूरा किया नॉलेज के साथ, सही रीडिंग के साथ, प्रॉपर बूट सिक्वेंस के साथ। अगर आपको ये आएगा तो आप हर तरह के डैट फोन बना लेंगे, इस बात की गारंटी है। और जो फोन बिगड़े हुए हैं उनको भी ये बता देंगे कस्टमर को कि फोन मदरबोर्ड या आईसी के चक्कर में नहीं बनेंगे। देखो ये नहीं बोलूंगा कि डैट सभी बन जाएंगे, भाई आईसी डैमेज होगी तो आईसी का कुछ नहीं कर पाएंगे हम, बोर्ड डैमेज होगा तो बोर्ड भी स्वैप करना पड़ेगा, पर एटलीस्ट आपके हाथ में कारण होगा, ये आपको प्रॉमिस करता हूं अगर आप एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करेंगे तो, क्योंकि मैं आपको वो सारी चीज दूंगा जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो देखिए तो ये हमारा फोन ऑन हो गया और बट हमारी जो बैटरी आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत ज्यादा लो है, तो हम इसको थोड़ा चार्ज करने रख देते हैं, 4% है। और दोस्तों अगर आपको इंस्टीट्यूट आना है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, एशिया टेलीकॉम पर बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा रखें क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं, हम अपनी क्लास को हाइड ही नहीं रखते। आप हमारे एशिया टेलीकॉम के फेसबुक में जाइए, अभी सर्च कीजिए एशिया टेलीकॉम फेसबुक अपने फेसबुक पर और आप पूरी तरीके से आप हम पर डिपेंड होकर आइए, भरोसा रख के आइए, गारंटी मैं दूंगा। चार दिन मेरी पूरी की पूरी 12 की 12 घंटे कोई डेमो नहीं, पूरी क्लास लेके जाओ, ये देखिए नोटिस करो, तो पूरी की पूरी क्लास मेरे से लेके जाओ। अगर क्लास में भी आपको मजा ना आए और आपको लगे फील ना आए कि मैं सीख नहीं पाऊंगा या जो भी है, तो पूरे पैसे वापस। और उस चार दिन में मैं आपसे पावर भी लगवाऊंगा, मैं आपसे सीपीयू भी लगवाऊंगा, मैं आपसे सर्किट का नॉलेज ऐसा बताऊंगा कि आप किसी भी बोर्ड को ये देख कर बता दोगे कि सर आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा, थर्मिस्टर ढूंढ लोगे, कॉम्पोनेंट ढूंढ लोगे, टेस्टिंग कर लोगे, सीरीज पैरेलल प्लस आईसी आइडेंटिफिकेशन सिर्फ चार दिन में और इवन आईसी को पढ़ लोगे, इस बात की गारंटी देता है देवेंद्र कुमार। सो ठीक है, थैंक यू वेरी मच ये वीडियो को देखने के लिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अभी आपको मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए। अभी थोड़ी बैटरी इसकी चार्ज करने के लिए रख देता हूं, थैंक यू।